पेश है इस वक्त में देश भर की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कोरोना महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। कोरोना के कारण देश में बुधवार तक 3,303 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के मामले बढ़कर 1,06,750 पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 140 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हुई और संक्रमण के रिकॉर्ड 5,611 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 61,139 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, जबकि 42,297 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा एक मरीज देश से बाहर चला गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस लिहाज से अब तक 39.62% मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खिलाड़ियों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अभ्यास के दौरान हाथ मिलाने, गले मिलने और थूकने पर रोक रहेगी। उपयोग करने से पहले और बाद में सभी को अपने उपकरणों को सैनिटाइज करना होगा और इसके साथ ही खिलाड़ियों को लॉकडाउन के दौरान सैलून जाने की भी इजाजत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी की जगह लेंगे, जो WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में भारत की तरफ से नामित किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव 19 मई को 194 देशों ने पारित किया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कार्मिकों को ऑफिस नहीं बुलाने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय सरकारी विभाग गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग कर्मी और पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ऑफिस ना बुलाएं। कोरोना वायरस के मद्देनजर यह सलाह दी गई है। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे और अब रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी चपेट में आ गए हैं। इनका परिवार तिहाड़ जेल की रेजिडेंस ब्लॉक में रहता है। फिलहाल उनके ब्लॉक को सील कर दिया गया है और साथ ही कई लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। तकरीबन 10 लोग क्वारंटाइन हुए हैं। कोरोना वायरस ने दिल्ली में कई पुलिसकर्मियों को संक्रमित कर दिया है और बीते दिनों दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में एक सहायक पुलिस आयुक्त और एक थाना प्रभारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। अगली खबर में कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू है और यूपी सरकार द्वारा इसे देखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस न बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर सरकार से इस संबंध में 18 जून तक जवाब मांगा है। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत जिले से आ रही है। जिले के खरखोदा हलके में बुधवार सुबह करीब 5 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में भीषण आग लग गई। आग लगने से एटीएम जलकर खाक हो गया और आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से एटीएम और पासबुक अपडेट करने की मशीन पूरी तरह से जल गई। दमकल कर्मियों ने जब आग पर काबू पाया तो वहां पर पूरा एटीएम जला मिला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के 2 सेक्टरों में LOC पर अग्रिम इलाकों में बुधवार को भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। LOC पर गोलीबारी का यह लगातार 5वां दिन है। उन्होंने बताया कि आज करीब 9:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के किरनी और देगवार्ड सेक्टरों में LOC पर छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलाबारी कर बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस बुलेटिन की अंतिम खबर में कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसका शव से धीरे धीरे कोविड-19 का संक्रमण कम होने लगता है, लेकिन शव को कब गैर संक्रामक घोषित किया जा सकता है इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। ICMR ने यह जानकारी दी। ICMR ने सवाल किया है कि कोरोना वायरस का असर किसी शव से कितने दिनों में समाप्त होता है, तो उसने कहा कि इसकी कोई अवधि तय नहीं है, इसलिए किसी भी शव के संपर्क में आने वाले लोगों को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और पोस्टमार्टम के लिए ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए जिसमें चीर फाड़ नहीं करनी पड़े।
SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।